नहीं कट जाएगा, आप फिर काटो इसको और कट जाएगा। ठीक है चलिए करते हैं इसको। हाँ ये फिफ्थ वाला है, फर्स्ट वाला क्या होगा ना, ये फिफ्थ वाला सेकंड वाले का। जी ठीक है यहाँ पे पूछ रहा है रेशियो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ कैंडिडेट्स हु पास्ड फ्रॉम इंस्टीट्यूट बी, बी इंस्टीट्यूट पास्ड वाले टू द कैंडिडेट्स एनरोल्ड इन द सेम वाला। ठीक है 22 हम लोगों ने किया था आई थिंक, काशफी आपने शायद ज्वाइन नहीं किया था मेरे, कुछ हुआ था। ठीक है मैंने बता दिया था आई थिंक इसका ये आ जाएगा। आप काटोगे जब जैसे हम लोगों ने कल काटा था ना उसी तरह आपको काटना है तो वो हो जाएगा। ठीक मैं है देखिए, हम लोग मतलब पहला वाला जो आ रहा था ये हमारा मतलब जोड़ने पे 2052 आ रहा था और दूसरा 3762 आ रहा है। ठीक है देखते हैं 2 3 1 1 9 क्योंकि 4 1 1 2 5 0 2 0 5 जो पास्ट हुए हैं उनके मुकाबले में देखना है, तो पहले तो हम पास्ट वाला रखेंगे ना, फिर उसके बाद इनको रखेंगे ना। हाँ ये पास वाला ही है काशिफ, उसके बाद रखेंगे ये वो 1 1 7 1 into 22। तो 18% हमारा 2052 आ रहा है और उसका 3762 आ रहा है मैम। हाँ ठीक है एक सेकंड में चेक कर लूँ। हाँ 3 7 6 2 है ना। आपने जैसे बताया था कि 9 अगर आ रहा है तो 9 से कट करेंगे, तो मैंने 9 से कट किया। 7 10 17 18 हाँ तो ये मैम तो 228 आ रहा था, ये 2052 228 हो जा रहा था और ये 418 हो रहा है। देखिए 2 से कितना होगा 18, 2 बच हाँ गया 25 हुआ, 25 हो गया, फिर से दो 18 हुआ, फिर तीन तो कितने बच गए 78 सेवन, 72 8 7 72 बचा। हाँ ये 36 4 से जाएगा और 16 बच गया 1 से जाएगा, फिर कितना 8 से बचा जाएगा 72। फिर 72 फिर 8 से जाएगा। अब इसको काटिए 2 से आई थिंक जाएगा ये, और 4 से 18 जाता है 4 से नहीं जाता, चलिए 1 से ही काट लेते, 1 1 4 2 से काट लेते हैं तो ये 114 जी मैम, 0 2 0 4 टू यहाँ पे जीरो एक फोर बताइए 1 मिनट मैम, ये 204 होगा। 1 सेकेंड 2 हाँ 0 उसके बाद 9 होगा, कितने से जाता है 2 से 9 से जाएगा ना, 9 2 से 18 9 से जाएगा। 209 होगा मैम, शायद मेरा इस वजह से गलत हो रहा था कि मैं 29 लिख रहा था, 0 नहीं ऐड कर हाँ रहा। 0 आना चाहिए ना बीच में, फिर हो सकता है पॉइंट्स में यहाँ पे देख लेना चाहिए, उसके बाद 9 से और 11 से जा रहे हैं तो आई थिंक 19 से किससे कोई टेबल से गया था ये, 9 टेबल से 5 6 7 9 के कौन से टेबल से जाएगा वो देखना होगा आपको, या फिर पॉइंट्स में करके भी आप कर सकते हो 5 फिर 7 57 से जाएगा ये, और ये 104.5 इस तरह से पॉइंट करोगे तो आ जाएगा। ठीक है ट्राई करना ठीक करके बताएंगे मैम इसको। है 217 है ना 8.5 अगेन 52.25 या 14.25 और 26 2 कैसे लेकिन करेंगे, ये तो नहीं समझ में आ रहा है। से काट रहे, तो ना मुझे लगता है ना बीच में किसी बड़े नंबर से काटना होगा यहाँ से ही 5 6 4 5 6 मैम2 जैसे आपने इससे पहले बताया था ना कि मतलब हम आंसर देखेंगे वो ऑप्शन हाँ के हिसाब से करके देखते हैं ना एक बार। ये तो ऑप्शन है मैम 9 इसको ऑप्शन आंसर क्या है 6 11 6 और 11 है शायद ना, पता सिक्स नहीं एक्चुअली मैम, 11 है इसका आंसर, तो 6 टेबल से काट के देख। हाँ कौन सा टेबल से हम लोगों ने काटा था इसको, आंसर 11 आना चाहिए, 29 से आई थिंक काटा था 9 11 19 से होगा मैम फिर, अगर 6 आ रहा है 114, 19 से एक हाँ बार कट कर। 19 से ही आई थिंक काटा था हम लोगों, 19 into 6 राइट 9 6 4 5 हाँ 19 से कटेगा 19 और 19 6 सर और 19 11 से जाएगा 209 देखिए 11 से होकर के या फिर 19 से डिवाइड करके या फिर 19 into 11 करिए 9 1 9 1 1 9 and 1 1 मैम 19 वन 19 होगा, फिर उसके बाद 19 बचा 1 1 हो गया। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे ही कर सकते हो डायरेक्ट क्यों कर रहे हो, चलिए
19 ones are 19 एंड अगेन बच गया 19 ones है. ठीक, 38 38 आ गया. हाँ मैंने कल किया था ये काश, कल ये परसों किया था. चलिए इसका थर्ड क्वेश्चन करना था, थर्ड हो गया था, फोर्थ वाला करना था ना. मैम, लेकिन वो थोड़ा सा टफ लग रहा था ना, वो 19 वाला एक्चुअली सही से याद भी नहीं। हाँ देखो अगर हम लोगों को 19 टेबल याद होगा ना तो डायरेक्ट आएगा, फिर हम लोगों को टेबल से याद नहीं है तो इसीलिए मुश्किल होती है. मुझे भी याद होते कभी फिर भूल जाते हैं, वो पता नहीं क्यों टेबल से याद ही नहीं रहते. फिफ्टीन हाँ मैम, ये तो तो ठीक है, 15 तक तो ठीक है, लेकिन 16 17 क्योंकि हम लोग यूज नहीं करते ना मेन चीज, और जी 16 और 18 तो फिर भी वो हम लोग 8 और 9 से यूज कर लेते, लेकिन 17 19 ये अक्सर याद नहीं रहते. थर्टीन जी मैम। है ना, और ये तो हम प्राइम लोग नंबर्स करते. हैं और हाँ जरूरी मैम, है प्राइम नंबर्स होने के लिए। मैम, हाँ इस वजह से हम लोग का थोड़ा लेट होता है अगर. वो जो हाँ आपको काशिक, भेजा था उसको आपने देखा? मैं बिल्कुल बहुत बिजी थी, टाइम ही नहीं मिला मुझे. आज हम लोग के घर पे अंजुमन था तो बिल्कुल टाइम नहीं मिला. देखूंगी इंशाल्लाह अगर आज टाइम, वैसे मुझे नहीं पता टाइम मिलेगा कि नहीं. 8 आई थिंक सैटरडे संडे अगर हो सके तो ट्राई करूंगी वैसे. ओके okay. देखिए क्वेश्चन थर्ड वाला हो गया था ना, ऊपर का सब क्लियर है ना, आप लोगों को कोई डाउट तो नहीं है ये वाला. और इसके बाद वाला जो है आप लोगों ने ट्राई किया, इसके बाद वाला सेकंड, इसके बाद वाला डीआई, ये तो दोनों भी आसान ही है, कुछ मुश्किल है. ये वाला ट्राई किया आप लोगों ने? मैंने पूरी फाइल भेजी थी और कहा था ना कि इसके बाद वाला देखना है आप लोगों को. ये वाला थोड़ा सा आई थिंक आप लोगों को एक फॉर्मूला है, वो अगर आप लोगों को पता हो जाएगा तो वो आ जाएगा. मुझे ये फॉर्मूला बहुत मैंने ढूंढा, एक्सपेंडिचर का मुझे नहीं मिला लेकिन, और ना ही ये 2023 वाले जून के स्पेशली जो ऐसे अलग क्वेश्चंस हैं डीआई के, कहीं पे भी मौजूद नहीं है वो. मैंने मतलब जो ये वाले हैं एक्सपेंडिचर वाले तो बिल्कुल भी नहीं मिले मुझे, यूट्यूब पे भी नहीं मिले, और नॉर्मली जो हम लोग सर्च करके निकालते हैं वहां से, टेक्स्ट बुक वगैरह कहीं से भी मुझे नहीं मिले. तो फिर मैंने फॉर्मूला उससे भैया से पता किया, वो इंजीनियर है मेरे भैया, तो उन्होंने बताया मुझे अलहमदिल्ला. वो पूरा प्रोसेस बताएगी कैसे हुआ, लेकिन आप लोगों को प्रोसेस जाने की जरूरत नहीं है, बस मैं फॉर्मूला बता देती हूँ ठीक है, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे. ठीक है चलिए देखते हैं अभी. ये द नंबर ऑफ मोबाइल फोन्स ऑफ मोबाइल मॉडल बी इन द ईयर 2022 इज अप्रोक्सीमेटली मोर देन द नंबर ऑफ मॉडल डी मोबाइल फोन्स इन द ईयर 2021. देखिए क्या कह रहे हैं, 2022 का मॉडल बी का क्या परसेंटेज मोर होगा, कौन सा वाला इधर लिख देते हैं, 2021 में डी वाला है ना, यही कह रहे हैं तो करिए भी इसको 2022 में. और 2022 है ना ये, मुझे अभी भी कल बच्चों की तकरीरें हैं तो मुझे याद दिलवाना है उन लोगों को. 2022 बी राइट, पहले टोटल लेते हैं 5,20,000 या फिर 5 लाख के, वो 1 0 निकाल के लेते हैं, 00 इंटू कौन सा वाला बी का राइट, 30% 33 करिए और बताइए मुझे क्या आएगा इसका आंसर. और डी का 21 में 10% राइट, तो 4,500 इंटू 10, 3 to the 6 और ये 15 राइट, 20 डिवाइडेड बाय, अच्छा डिवाइडेड बाय डायरेक्ट नहीं करना है राइट, इसको माइनस करना होगा फिर, कितना ज्यादा है ये है ना, तो 4,500 यही है ना. अभी पहले क्या करेंगे, 1,56 यही आ रहा है डेटा, अक्सा परवीन और काशिफ जी मैम, यही आंसर आ रहा है, 5,200 इंटू 3 ये एक और 0 आएगा इंटू 30 और 4,500 इंटू 10. थ्री टू द सिक्स और 3 to the 15 करेक्ट, 156, 156,000 इसको माइनस फाइव करना होगा फिर ठीक है ना, कितना टू ज्यादा इंप्रेशन है. 152 306 हो जाएगा मैम। हाँ 156 और ये 45 आ रहा है ना, तो 45 से माइनस करेंगे इसको, 111 आंसर क्या आ रहा है, 111 डिवाइडेड बाय कौन सा लेंगे, ये पूछ रहा है डी वाला है ना, तो कितना ज्यादा ये 4,500 ये करिए आएगा आंसर, इनटू 100 ले लीजिए आसान में भी. सही कर रहे हैं ना हम, जी एक मैम, सेकेंड
0 0 0 होगा कि नहीं होगा? होगा ही तो। ठीक है, ये 0 0 इन लोगों को काट दीजिए। 45 और 1000 और वो बचाएगा, ये 9 से जाएगा 5 के, या फिर 15 से काटिए, 3 से जाएगा 100 जाएगा 15 से। 15 के टेबल में 100 जाता है? नहीं जाता है, ठीक है ना, तो इससे काटिए। मैंने इसको किया था, 15 इतना ही अलग आ गया। कितने से जाएगा? 5 के, 20 से, राइट? 2 3 10, 10, ये जाएगा ना 3 से, 3 3 से, और 3 से ही जाएगा। 3 3 से 9, 10 11, 2 बज के 21, 21 जाता है ना 3 से, 7 3 से 21 होता है ना। जी मैम जाता है। हाँ, फिर 3 से कैसे जाएगा? पॉइंट आएगा इधर, है ना? जी करिए, यहाँ तक आप लोगों ने किया। मैंने जो सॉल्यूशन किया था वो घर पर रह गया, मैं मम्मी के पास आ गई, मैं भूल गई। एक सेकंड, मैं चेक कर लेती हूँ। आप चाहे तो इंटू 100 कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। इसको अभी काटिए 1 से, और इसको काट लीजिए 2 से, 0.5 हो जाएगा, या फिर 0.1, एक सेकेंड, पॉइंट लेना बहुत जरूरी है यहाँ पे। 1 से और 2 से 6, उसके बाद 1 बच जाएगा ना 0.3, राइट? 0 डालेंगे 3 से। 246.66 हो रहा है। हाँ बिल्कुल, 24 2 6 और 4 2 4, 2 1 2, 246.66 होगा। तो 247 लेंगे या 240 लेंगे? 47 247 47 आप यहाँ पे 100 ले सकते हो, ना लेना चाहो तो भी डायरेक्ट से कर सकते हो इसको। लेकिन डायरेक्ट करोगे तो थोड़ा सा आई थिंक मुश्किल होगी। 3 से काट सकते हो, 3 से काट सकते हो, या फिर 9 9 से, ये नहीं करेगा, 3 से काट सकते हो डायरेक्ट, लेकिन ले लो तो आसान होगा। ठीक है, आया ये समझ? नेक्स्ट वाला देखते हैं। आ गया ना समझ में? ये डिवाइड नहीं करना था डायरेक्ट, इसको माइनस करना होगा, उसके बाद ही डिवाइड करना होगा, वरना आपको कंफ्यूज। ठीक है, जो आंसर आया 2022 का बी और 2021 का डी, इसको हम लोग को क्या करना है, जो निकल गया डेटा उसमें माइनस करना है। फिर मैंने क्या कहा था, व्हाट परसेंट मोर हो या फिर व्हाट परसेंट लेस हो, दोनों में सेकेंड वाला हमेशा नीचे आना चाहिए, और माइनस करने पे जो आंसर आया था वो ऊपर होना चाहिए, है ना? तो जो माइनस करने पे आंसर आया था वो हमारा आया था 111 1110 आया था, डिवाइडेड बाय मोर देन सेकेंड वाला ना, तो सेकेंड वाला कितना था? 45,000, 45 लाख्स, 4,50,000। मैम अभी जब आपने इन दोनों की डिफरेंस ले ली वो कितनी आई थी? सॉरी मैं थोड़ी डिफरेंस लेट से क्या? ज्वाइन। यस, हाँ ये आया डिफरेंस था ले ली, लेकिन अभी मैं 11। तल हाँ अभी मैं तलवे सर का क्लास देख रही थी, तो वो वहां पर पता है क्या कह रहे थे कि मोर और लेस जब भी हो आपको मतलब कंपेयर हो तो हमेशा जो डिफरेंस होती है वही बेस आ जाती है, मतलब क्या आती है? हाँ, जो हम डिफरेंस लेते हैं ना वही डिफरेंस हमारी बेस बन जाती है। क्या बन जाती है बेस 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 नीचे? अच्छा, हाँ अभी जस्ट मैं मतलब देख के आ रही हूँ अब आपके पास। ये और बेस उससे बनेगा, फिर उसके बाद क्या होगा? मैम नहीं मुझे पता, यहाँ पे तो हमारा आंसर ठीक आ गया जैसे आपने किया, लेकिन आप फिर से कंफ्यूजन हो गए क्योंकि आपने तो उस दिन बताया था जो हमारा जिसके साथ कंपैरिजन होता है वो हमेशा डिनोमिनेटर होता है। हाँ, तो आप एक काम करना, वो वाला वीडियो मुझे भेजना। ये जो मैंने ट्रिक सीखा है ना, ये बहुत बड़े वो जो यूपीएससी और सीजीएल वगैरह पढ़ाते हैं ना,
उनसे मैंने ये ट्रिक सीखा है, ट्रिक कौन मतलब है? ये वाला, ठीक है? तो ये रॉन्ग नहीं है, हो सकता है वो भी एक तरीका हो, क्योंकि तलवीर सर भी अलग अलग तरीके से सिखाते हैं, हो सकता है उनका भी कोई तरीका होगा, हम लोग उसको भी सीख सकते हैं, अगर वो आसान लगे तो वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन ये जो मैंने कहा है ये भी सही है, आप लोग कंफ्यूज मत होना, ओके? मैम अभी मेरे पास है, रख पे किया हुआ है, मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊंगी और ये भी बताऊंगी, ठीक एक है, सेकेंड। भेजना, मैं देखूंगी, लेकिन अभी नहीं होगा, क्लास लेते वक्त तो नहीं देख सकते ना, तो मैं बाद में देख, ठीक है? मैं ओके देखूंगी, हो सकता है वो भी सही हो, ऐसा नहीं है कि नहीं है, ठीक है? ये भी एक जी, तरीका है कि हम लोगों ने एक या जहन में रख लिया है कि जो माइनस आएगा वो 1 1 1 होगा, ठीक है? 1 1 1 होगा, मतलब जो माइनस आएगा वो ऊपर आएगा, फिर नीचे क्या आएगा, जो लेस देन और मोर देन होगा वो नीचे आएगा, ठीक है? वो बेस बनेगा, ओके ठीक है अगर वो समझ में आया तो आप उसको भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इसको मत भूलना, ठीक है? मैम, वरना पहले ही हम लोग बहुत कंफ्यूज हो गए, क्लियर ठीक है? देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ सी मॉडल सी मोबाइल फोन्स प्रोड्यूस बाय द कंपनी इन द ईयर्स 2021 एंड 2022? बहुत आसान है ये, कितना था हमारा डेटा, हम यहाँ लिख देते हैं, आप और जल्दी से करके बताइए क्या है, फास्ट करना चाहिए, देखते हैं किसका फर्स्ट आंसर आता है, मुझे चैट में भेजना बहुत जल्दी। टोटल कितना था मेरा? अच्छा, 4 5 ट्रिपल यह लिख रहा टू है टोटल कितना था, डिफरेंस पता करना है, बहुत आसान है, फास्ट करिए, सी कहीं है दोनों भी, ओके? और 21 से 22, इसका हम लोगों ने 30% अभी निकाला भी था, आई थिंक, है ना? हो गया, चैट में आंसर करना, ठीक है? नहीं हुआ, चलिए करते हैं हम साथ में करते, चलिए 2021 में देखिए, नहीं परवीन, सेकेंड वाला नहीं है आंसर, मैम, इसका फर्स्ट वाला आप आंसर आएगा हमारा 5,000। हाँ फर्स्ट वाला करेक्ट जी है, मैम, ऑप्शन मेरी गलत लिख दे। नंबर हाँ, 5, 5,000 1 1 1 करेक्ट है, कौन परवीन 1 ऑप्शन करेक्ट है है। इसका? देखिए कैसे किया, 45 × 3 कितना होगा, 90, कितना होगा 45 × 3? मैम 1 3 1 3 5 000, हम 000 सीधे लेंगे ना, फिर 45 का 3 से करेंगे 3 मरतबा, तो 135 आ जाएगा। हाँ लेकिन 000 लेना, क्योंकि कभी कभी वो हो रहा है, तो 52 × 25 तो 52 × 25 हमारा 130। 1 3 5 000, हाँ 1 3 5 000। 130 000 हो रहा है ना, माइनस जी मैम, करोगे तो फाइव थाउजेंड बच जाएगा, ठीक है? कितने जीरोस आएंगे यहाँ पे, 3 0 आ जाएंगे यहाँ पे दो मैम। जीरोस थर्टीन आएंगे, थर्टीन कैंसिल, थर्टीन थर्टीन कैंसिल हो जाएगा, 5,000 हमारे बन जाएंगे। नहीं इस तरह करेंगे वैसे होगा, ये 4 0 आएंगे, ठीक है? ठीक है, तो 5,000 बचेगा, तभी बचेगा ना 5,000, फिर 4 0 होंगे तो, ठीक है मैम, मिल गया। फर्स्ट वाला आंसर होगा, ठीक है? आया ना सबको, बहुत आसान है ये, असल मुझे ना मेन ये बताना है, मैं ये इसका आज आप लोगों को फॉर्मूला बताऊंगी और आप लोगों को इसको करके आना है, ठीक है? देखिए ये क्वेश्चन पढ़िए क्या है, और ये जून के ही क्वेश्चन से, ये जो सारी पीडीएफ है ना, ये मार्च आई थिंक कम ही है, आई थिंक ज्यादातर जून के, और मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कौन सा है,
ताकि आंसर्स वगैरह करने में और फिर मुझे कहीं पे ढूंढने में आसानी हो। तो मैंने लिख भी दिया है, ठीक है। जून का बहुत ही रिसेंट वाला क्वेश्चन है और जून में बहुत अच्छे क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। आई थिंक मैथ्स के तो उतने ज्यादा नहीं, एक दो इजी भी आए थे लेकिन थोड़ा सा मॉडरेट आया था। इस बार भी इजी टू मॉडरेट आने के चांसेस है, पूरे मॉडरेट भी नहीं आएंगे, मतलब पूरे हार्ड और वो नहीं आएंगे, लेकिन इजी टू मॉडरेट आएंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा बीच में है एग्जाम। और हाँ, लेकिन उस दिन ना इकोनॉमिक्स का एग्जाम है, लेकिन वो फर्स्ट शिफ्ट में, हमारा सेकंड शिफ्ट में है। सेकंड शिफ्ट वालों का पूरों का इजी वाले ही है, मतलब लैंग्वेजेस और जो जिसके ज्यादा नहीं होते वही है। हो सकता है मॉडरेट तक पहुंचे लेकिन मॉडरेट नहीं आएंगे, इजी टू मॉडरेट के लेवल पे आएंगे, ठीक है। तो ज्यादा घबराने की भी जरूरत नहीं है, ज्यादा हार्ड नहीं आएंगे। फिर भी पूरा पेपर वन की बात करें, मैथ्स और इंग्लिश की ही नहीं बात करें, आरसी की नहीं बात करें, डीआई की नहीं बात करें, बाकी पूरा, ठीक है। पहले इजी आता था, अब इजी टू मॉडरेट आ सकता है, तो उसके लिए भी प्रिपेयर रहना। हो सकता है थोड़ा सा लेंथी भी क्वेश्चन हो और टाइम मैनेजमेंट भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट के लिए भी मुश्किल हो सकती है, ठीक है। अच्छा जी, हम इकोनॉमिक्स वालों का जो उस मतलब जिसमें वो शिफ्ट होते हैं उनमें मैथ ये डी आई वगैरह हार्ड आते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, मैथ्स वालों का, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, तो जो पेपर टू होता है ना उसके हिसाब से पेपर वन बनता है, मेरा मैम क्योंकि उन उसी लोग, शिफ्ट में है, मेरा फर्स्ट शिफ्ट में ही है हाँ मेरा फर्स्ट शिफ्ट में ही है। हाँ अच्छा, उर्दू है आपका, उर्दू वालों का इकोनॉमिक्स है, तो आप मॉडरेट के लिए प्रिपेयर करना, हो सकता है मॉडरेट आए, क्योंकि पेपर टू के ओके हिसाब से पेपर वन बनता है। अब थोड़ा एनटीए बहुत सारी चीजें चेंज करे तो पता नहीं, मुझे फिर भी मैं एक एजम्पशन कर सकती हूँ कि हो सकता है, ठीक है। तो उर्दू वालों के लिए हो सकता है थोड़ा सा मॉडरेट आए, ठीक है। और हर क्वेश्चन, हर एग्जाम ऐसे ही फ्रेम किया गया है कि पेपर शिफ्ट वन में जिसका हार्ड होता है एग्जाम, जैसे कॉमर्स हो गया और मैनेजमेंट हो गया, इंग्लिश हो गया, ये सारी चीजें शिफ्ट वन में डाला है इन लोगों ने, और शिफ्ट टू में जो लैंग्वेजेस है वो डाला है। तो हर एक दिन एक हार्ड एग्जाम है और एक 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 शिफ्ट में छोटे छोटे मिलके हैं, तो इस तरह से है पूरे। और कॉमर्स का पहले ऐसा होता था कि मैनेजमेंट का, कॉमर्स का, इंग्लिश का स्पेशली दो दो एक दो दो शिफ्ट में होते थे, लेकिन अभी पूरे एक ही शिफ्ट में इन लोगों ने रख दिया है, ठीक है। तो मुझे नहीं पता, ओके मिक्स एंड मैच हो सकता है, लेकिन फिर भी हम लोगों का उतना हार्ड नहीं आएगा क्योंकि उन लोगों के साथ नहीं है मिक्स, ठीक है। प्रिपेयर रहना लेकिन हर चीज के लिए, ओके। और जो लास्ट टाइम जो टॉपिक ज्यादातर ट्रेंड में चले हैं, उन लोगों को जरूर देखना, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम लोगों के इसमें नए टॉपिक्स नहीं निकल के आते, हो सकता है एक दो आ जाए, लेकिन अक्सर जो पीवाईक्यूज के टॉपिक्स पूछे गए या ऑप्शंस पूछे गए वही टॉपिक्स आते हैं। तो उस तरह से आप लोग प्रिपेयर करना, इंशाल्लाह जो बहुत फायदा होगा। 2023 का स्पेशली जो जो भी क्वेश्चन आए थे वो रिपीट हो सकते हैं, और अक्सर रिपीट होते हैं, मतलब मैंने तो देखा है थोड़ा बहुत और सुना है बहुत के बहुत रिपीट होते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन ना रिपीट हो तो भी टॉपिक्स तो रिपीट होते ही, आप लोगों को बताइए, है ना। तो मैम पीवाईक्यूज को मत उस छोड़िए, पीवाईक्यूज अच्छे मतलब से अगर लेना। अगर वो क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है ना, लेकिन उस क्वेश्चन में जो बाकी ऑप्शन दिए होते हैं ना, उन ऑप्शन से जरूर क्वेश्चन बनते हैं। हाँ बिल्कुल, वो ऑप्शंस और क्वेश्चन और उस टॉपिक से, तो टॉपिक से भी आपको करना, ओके, ठीक है। चलिए और देखते हैं, द फॉलोइंग टेबल शोज द इनकम इन लैक्स, ठीक है। इनकम बता रहा है ये इन लैक्स, एंड परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ ए कंपनी ओवर द 6 इयर्स फ्रॉम 17 to 22, ओके, बेस्ड ऑन द डेटा आंसर करना है। देखिए ये इयर्स दिए हुए हैं, ये इनकम दिए हुए लैक्स में है, ये यानी कि 1,20,000 है ये, ठीक है। 120 मतलब 1,20,000, ठीक है। ये 7.5% है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को दिया हुआ इनकम और प्रॉफिट, तो इसके लिए इनकम और प्रॉफिट जब दिया हुआ है तो एक्सपेंडिचर ये पूछ रहा है क्वेश्चन में ना, एक्सपेंडिचर पूछ रहा है, तो इसके लिए हम लोग को एक्सपेंडिचर जो है इसका फॉर्मूला पता करना बहुत जरूरी है। कैसे होगा, इसके बहुत तरीके हैं, मतलब तीन चार फॉर्मूला से, लेकिन जो मुझे ईजी लगा और मुझे लगा कि आप लोग कर सकते हो वो मैंने निकाल के लाया है, ठीक है। तो उसी को करना। अप्रोक्सीमेटली व्हाट वॉज द एवरेज एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द ईयर 2017 to 2022, ये वाला आप लोगों को निकालना है, एवरेज सबका, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली ड्यूरिंग द ईयर 70 से 22, पूरों का निकालना है, उसके बाद ऐड करके डिवाइड बाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 6 करना है, ये एवरेज निकालना है। तो ये आप लोग होमवर्क में करके आओगे, ठीक है। मैं बताती हूँ कैसे, वो आगे वाला मैं करवाती हूँ, यहाँ पे सिर्फ एक का पूछा हुआ है, सिर्फ 2018 का पूछा हुआ है, यही सेम है एक्सपेंडिचर, मतलब जो खर्च होता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक बताऊंगी, ये वाला सेकंड वाला, तो आप लोग इसके बेस पे वो पूरा करके आना, ठीक है। थर्ड फोर्थ आई थिंक इजी ही है। मीडियन, मीडियन का मतलब होता है, मीडियन भी एवरेज ही आई थिंक इसका मतलब होता है, एवरेज ही होता है, तो जी ये मैम भी पता एवरेज आप कर लो, कर सकते हो, ये नहीं भी आप लोग कर सकते हो आई थिंक, और फिफ्थ वाला भी आप लोग कर सकते हो, इजी ही है। प्रीवियस
प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में कौन सा वाला वो मिनिमम होगा, मिनिमम बताना है। तो ये तीनों चारों आप लोग कर सकते हो, मैं एक बता देती हूँ कैसे करना है। देखिए अप्रोक्सीमेटली व्हाट वाज दी एक्सपेडिशन इन 2018, ठीक है 2018। देखिए मुझे बताया था कॉस्ट प्राइस, हम लोग जो एक्सपेडिशन होता है ना, यानी कि जो खर्च आपने किया है ठीक है, और इनकम आप लोगों को पता है जो आमदनी होती है, प्रॉफिट तो आप लोगों को पता है जो, नफा होता है। हाँ नफा होता है। इसका एक और होता है कि सीपी किसको कहते हैं और एसपी किसको कहते हैं, इनमें से ही किसी को एक कहते हैं, मुझे कंफ्यूज हो रहा है, मैं ये आप लोगों को भेजूंगी इंशाल्लाह ठीक है, एक जगह कहीं अच्छे से लिख के भेजूंगी। तो इसका फॉर्मूला एक है, यहाँ पे मैंने लिखा है देखो फॉर्मूला, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इनकम बाय 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। देखिए एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला है, इसको आप लोगों को याद रखना है, और मैंने कहा है कि आप लोग सारे फॉर्मूला एक जगह लिख के रखिए, फायदा होगा ठीक है। इनकम बाय 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, अब आपको इसी तरह इसको एक्सेप्ट करना है ठीक है। ये असल में ना 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज कैसे होता है वो भी बताएंगे हम, इसको ऐसे ही एक्सेप्ट करना और इसके अंदर अप्लाई कीजिए, बहुत आसानी से आ जाएगा। देखिए हम लोगों को क्या पता करना है, एक्सपेंडिचर इन 2018 राइट, 2018 में तो यहाँ पे दिया हुआ है इनकम 160 लाख, और ये प्रॉफिट दिया हुआ है 15, है ना। तो देखिए अप्लाई करते हैं, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इनकम कितना है 160 लाख 60,000 राइट, और प्रॉफिट है 1 प्लस 15%, परसेंट मतलब बाई 100 होता है ना, 15 बाई 100। अब इसको पहले सॉल्व कीजिए, 1 प्लस 1 15 बाई 100 कैसे करोगे, 50 100 into 1 100 100 प्लस 100 to 1 करते ना हम लोग एक्सट्रैक्शन को एक जगह करने का तरीका ये होता है। तो आप क्या करोगे, ये वाला सेम है ठीक है, 100 प्लस 15 कितना होगा 115 15 बाई 100, 115 बाई 100 कैसे लिख सकते हो, 1.15 लिख सकते हो ना, है ना, यानी कि 2 जीरोस निकाल दिए और 2 के बाद हमने पॉइंट डाला है। हम क्यों नहीं मैम इसका ऊपर वाले के साथ जो 16 मतलब एक कितना है ये 160 160,000 हम पहले ही क्यों नहीं काटते हैं 2 0 इधर से वहां से 2 0 नहीं कुछ ये सा। 0 नीचे है, तो इसको यहाँ का वाला यहाँ से नहीं कटेगा, यहाँ होगा तो कटेगा। हाँ ओके वो अगर 15 की जगह होता तो ठीक है। हाँ बिल्कुल, तो इसको ऐसे ही लेंगे, फिर 160 और डिवाइडेड बाय 1.15, इसको आप कैंसिल करोगे या फिर 15 से ही काटिए, बाद में पॉइंट ले लेना ठीक है, इससे काटोगे तो आपको आंसर आ जाएगा, काटिए कितना होगा 115 और 160, इतना ही लेके देखिए, इसको काटिए पहले, 5 से काटिए, 5 3 15 और ये 10, 2 सा 10 राइट, 2 सार और 3 सार 33, 32 बाई 23 माई 100, मैंने इसको कैसे किया था, 140 आंसर आना चाहिए, 140 लाख इसका आंसर था। क्लास चल रही है, इसको काटिए अभी आप लोग अपनी तरफ से, इंटू 100 नहीं, इंटू 100 नहीं गया, आप लोग कीजिए मैं अभी आती हूँ एक सेकंड में ठीक है, नोटबुक लेके आते जहाँ मैंने किया। हाँ ऐसे ही है, 160 बाय 1.15 डिवाइड कीजिए आ जाएगा। इसको कीजिए, ठीक है,
2.3 × 1 कितना होगा, या फिर 23 ही मान के इसको कर सकते हो। 2.30 आई थिंक। ट्वेंटी 3 से ही डायरेक्ट काटिए, या फिर ऐसे कर लीजिए, इजी हो जाएगा आपको। कोई सी लगे 23 / 32, 1 से 23 होगा 1.39। हाँ 1.39। तो 1.839 140 के करीब है ना, तो इसलिए 1 दिया। जी मैम, ऐसे डिवाइड कर लीजिए आ जाएगा 140, 1.39 आ जाएगा। आंसर आंसर देखिए मैम। 120, 160, 140, 180 अप्रोक्सीमेट, ये खुद कह रहा है ना। 140, 140 आ रहा है मैम, 139 आ रहा है, वन हाँ थर्टी वन नाइन थर्टी थ्री थ्री जी मैम। तो 140 होगा। ठीक है, ये जो मैंने कहा था ना कि ये फॉर्मूला याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो यही काम आएगा। ठीक है, अगर कोई चीज आपने खरीदी, ठीक है, कॉस्ट प्राइस अगर आपने दिया, तो वो कॉस्ट प्राइस होता है ना, सोच लीजिए आपने एक पेन खरीदा, ठीक है, तो वो क्या होगा, आपका कॉस्ट प्राइस होगा ना। कॉस्ट प्राइस मानेंगे पेन खरीदा 10 रुपए में, तो ये कॉस्ट प्राइस हुआ, तो कॉस्ट प्राइस के लिए आपने पैसे खर्च किए ना इसके ऊपर, तो ये एक्सपेंडिचर मानेंगे कॉस्ट प्राइस को। क्यों एक्सपेंडिचर मानेंगे कॉस्ट प्राइस को, क्योंकि हमने इसके ऊपर पैसे खर्च किए खरीदने में, ठीक है। और सेलिंग प्राइस अगर आपने 15 रुपए में इसको बेचा, तो ये सेलिंग प्राइस जो होगा ये आपका इनकम होगा। क्यों, क्योंकि इसको बेचने के बाद आपको पैसे आपके पास आए ना, तो इसीलिए सेलिंग प्राइस को इनकम मानेंगे और कॉस्ट प्राइस को एक्सपेंडिचर मानेंगे, ये याद रखिए। वैसे यहाँ पे आप लोगों को जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बहुत लंबा प्रोसेस है, अगर सब हम समझाएंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, इतना बस याद रखिए आप लोग, ठीक है। ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर आप लोग चाहो तो याद कर सकते हो। वैसे यहाँ लिख देते हैं हम, एक्सपेंडिचर इज कॉस्ट प्राइस और इनकम इज सेलिंग प्राइस। हमें असल में हम क्या सोचते हैं कि कॉस्ट प्राइस हो सकता है कि इनकम हो, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि कॉस्ट प्राइस इनकम इसलिए है क्योंकि हम इसके ऊपर पैसे खर्च करते हैं। किसी चीज को आपको खरीदना हो तो आप पैसे खर्च करके खरीदोगे, है ना। और सेलिंग प्राइस इसलिए वो इनकम होगा क्योंकि आपको सेल करने पे कोई भी चीज पैसे आएंगे, है ना, तो ये कॉस्ट प्राइस माना जाता है और सेलिंग प्राइस माना जाता है। डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, यही आप फॉर्मूला याद रखिए काफी है। इसी के बेस पे फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, इसको कीजिए, ठीक है, और थर्ड वाला, फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला, पांच भी करके आइए, और मैम कर दोबारा के आना। समझे, हाँ 1,16,000 बाय 1 + 15 बाय 100 इस तरह किया मैम। नहीं, 1,15,000, ये देखिए, हाँ मैम 1 + 15 बाय 100 वन उसके लाख बाद फिफ्टीन फाइव हंड्रेड समझे। ये वाला समझा है ना, ये कैसे हुआ। मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम लोग कैसे लेते हैं, 1 + 15/100 है, तो ये 100 × 1 100 होगा, तो 100 इसको प्लस करेंगे। फिर अभी वहां हम लोग क्या करते थे, इंटू करते थे, यहाँ पे प्लस करना है, 100 + 15/100, तो 115/100 इस तरह से होगा, ठीक है। देखिए, अगर होता 1 + 10/100, सिर्फ इधर 100 वो होता, तो आप क्या करते हैं, 1 × 100, 100 प्लस ये 10 का 10/100, तो क्या होगा, ये 1000/100 इस तरह से, ठीक है। आया समझ अभी हसन, या फिर आप इसको ना डायरेक्ट एक तरीके से याद रख सकते हो कि देखो, प्रॉफिट पर 1 + प्रॉफिट परसेंटेज डालने के बदले, प्रॉफिट परसेंट हमारा जो प्रॉफिट है 15% है, राइट, तो 15/100 होगा,
लेकिन प्रॉफिट कब होता है? प्रॉफिट क्या होगा? सेलिंग प्राइस प्लस, नहीं, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट ना, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होता है ना हमारा, हमको प्रॉफिट आया कैसे पता चलेगा? जिसने जितने में हम खरीदे प्लस जितना हमको नफा हुआ, यही प्रॉफिट होता है ना। हसन समझ आ रहा है? ट्राई तो जो कॉस्ट कर रहा हूँ प्राइस, समझो। देखिए अच्छा वो अगर समझ आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो जाने दीजिए। देखिए अब मैंने कोई चीज खरीदी, एक पेन खरीदा ठीक है 20 रुपीज में, तो ये जो पेन खरीदा कॉस्ट प्राइस हम हमेशा 100 100 मानते हैं ना, जी, मैंने इसको बेच दिया 50 30 रुपीज में, तो ये हमको 10 रुपीज प्रॉफिट हुआ, तो 100 में प्लस प्रॉफिट मानेंगे ना हम लोग, तो कितना होगा? 110 होगा। इसी तरह ये कह रहे हैं अगर आप 100 कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट कितना है 15 है ना बाय 100, तो 115 बाय 100 ऐसे भी डायरेक्ट निकाल सकते हो जी मैम। ठीक है, क्योंकि हमारा कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है 100 राइट, प्लस प्रॉफिट कितना हुआ 15 हुआ था, तो इस तरह आप करके निकाल सकते हो बाय 100 ऐसे ले सकते हो। इसके बदले अगर 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज आपको कंफ्यूज लग रहा है, तो प्रॉफिट जो होता है हमारा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट बाय 100 भी ले सकते हो ठीक है, डायरेक्ट ले सकते हो, या फिर इस तरह भी निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। वैसे इतना हार्ड आई थिंक नहीं पूछा जाएगा, लेकिन पूछा जा सकता है, तो आप लोग प्रिपेयर रहना। ओके ये वाला कीजिए, और फर्स्ट वाला, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, फोर्थ फिफ्थ, और जब आप लोग करोगे तभी आप लोगों का ये डाउट क्लियर होगा, अगर ना हो तो फिर रिकॉर्डिंग एक बार सुन लेना तो क्लियर हो जाएगा ठीक है। ठीक है मैम। ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजिंग है।